गवर्नमेंट कॉलेज के सर्टिफिकेट्स और प्राइवेट कॉलेज के सर्टिफिकेट्स में क्या डिफरेंट होता है, ऐसा मैसेज मेरे एक सब्सक्राइबर का आया हुआ था। तो आज के इस वीडियो को बताने का मेन मकसद यह है कि आप लोग ये परिचित हो पाओ कि आखिर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, और वाकई जब आप किसी जॉब में के लिए जाते हो, कोई फील्ड में जाते हो, तो क्या वाकई सर्टिफिकेट आपका मैटर करता है, या तो गवर्नमेंट का हो या तो प्राइवेट का। क्या वाकई वो वैल्यू फॉर मनी होता है आपके लिए, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट या तो प्राइवेट का सर्टिफिकेट। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज, उसमें मैंने बताया था वाकई में कैसी पढ़ाई होती है, क्या क्या डिफ्रेंशिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, टीचर्स कैसे होते हैं, फैकल्टीज़ कैसे होती हैं और वाकई में क्या क्या डिफरेंट होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो जब आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे तो वहाँ स्क्रीन पर शो हो जाएगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और प्राइवेट सर्टिफिकेट का सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो मिलता है वो देखने को मिलता है जॉब एस्पेक्ट्स में। जॉब एस्पेक्ट्स में क्या इसका डिफरेंशिएट होता है, अब सबसे पहले मैं बात करूँ जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के जॉब आ रहे हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँगा, यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब आ रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो प्रियोरिटी दी जाती है आपको, फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है वो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए बच्चों को ही दी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए अगर बच्चे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि चलो यार गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं और अच्छा खासा इनके पास नॉलेज होगा, नॉलेज एक्वायर किए होंगे, अच्छे चीज़ें सीखे होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्टिफिकेट का वो पड़ता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब कहीं जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर पड़ता है। पहला मैं यहाँ पर रीज़न देना चाहूँगा ये चीज़, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले सर्टिफिकेट को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले को नहीं दी जाती, उसको भी दी जाती है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के बाद। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की। तो जो भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, यहाँ पे एक मेरिट और एक डिमेरिट भी है, सबका जो नहीं है, हर एक का मेरिट ही होता है, ठीक है। मेरिट डिमेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, गुण और अगुण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप ये समझिए, समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत बार मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, तो मेरिट बेस पे जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज कोई डिफरेंस नहीं करता। जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा होगा, जिसके सर्टिफिकेट पे, उसका सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है। तो अगर आपके मेरिट अच्छे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, ठीक है, बात एक ही होता है, मेरिट आपका अच्छा बनना चाहिए और नॉलेज जो भी आप लोग इक्विपमेंट्स प्रयोग कर रहे हो उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। लाइक अगर आप लोग डीएमएलटी कोर्स कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, डीएमएलटी कोर्स के गए तो हो आप लोग, तो प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके सारे इक्विपमेंट्स चलाने आते हैं, नॉलेज है हर एक बारे में आपको, ब्लड का नॉलेज है, इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज है, कैसे टेस्टिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्टिफिकेट्स है इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड दिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट पे ही होगा, चाहे आप गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट से हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्किल बेस्ड सिलेक्शन की। जो भी जॉब आते हैं वहाँ पर लोग देखते हैं, बोलता है इंटरव्यू होगा या स्किल टेस्टिंग होगी, ठीक है। अब वहाँ पे भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ पे आपकी नॉलेज और कैपेसिटी, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी स्किल है, उसको देखा जा सकता है। और ख़ास करके जो भी हमारे मेडिकल कोर्सेज होते हैं, प्राइमरी मेडिकल कोर्सेज होते हैं, डी फार्मा हो गया, डीएमएलटी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो गया, या वाट एवर जो भी हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, या कोई भी ऑलराउंडर कोई भी कोर्स हो, उसमें एट दी एंड आपको यही देखा जाता है आप लोग पेशेंट से कैसे डील कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट से कैसे डील कर रहे हो और जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसको आप लोग कैसे वहाँ पे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो एट दी एंड आपको स्किल पे सिलेक्शन होता है, जाएंगे आप लोग, आपके जो बोर्ड मेंबर बैठे रहेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपको स्किल टेस्टिंग होगी। लाइक अगर आप डीएमएलटी करके गए हो, ठीक है, या तो आप लोग डी फार्मा करके गए हो, तो वहाँ पे बेसिकली जब आप लोग इंडस्ट्री में जाते हो, इंडस्ट्री में या मेडिकल में जाते हो, तो एट दी एंड आपको वहाँ पर क्या दवाइयाँ पढ़ी ये नहीं पूछा जाएगा, आपको वहाँ पर ये देखा जाएगा आप लोग दवाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो, या डीएमएलटी कोर्स करके गए हुए हो तो आप लोग कैसे जो है मरीज़ को टैकल कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, या तो जो भी आपके ब्लड टेस्टिंग वगैरह हैं, आपके इक्विपमेंट्स का प्रयोग कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ें देखी जाती है, न कि आपको गवर्नमेंट आप किस कॉलेज से पढ़ें, ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया स्किल बेस्ड सिलेक्शन।
फिर होता है कुछ कुछ, मैं आपको बात करूँ, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू पढ़े हो और आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जॉब लग जाता है तो इसमें थोड़ी बहुत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। वो ये होती है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है आपको, और फिर अदर फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये मेडिकल और इंश्योरेंस दोस्तों अलग अलग है, यहाँ पे देखिए मेडिकल और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल जाती है, और जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है उसको वो आपको मिलती है। तो बेसिकली ये चीज़ है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। अब आप लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोग में अंदर एक भी डाउट होगा कि यार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ें, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आप प्राइवेट कॉलेज वाले गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे छोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से करें, मैं ये कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि जॉब के टाइम एट दिन जब आप लोग जाते हो एट द एंड, या गवर्नमेंट कॉलेज में या तो प्राइवेट किसी सेक्टर में जॉब करने जाते हो या किसी भी चीज़ में जाते हो, तो आपको वहाँ पे आपके थ्योरी नॉलेज नहीं पूछे जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले, जो भी मिले आप लोग ले लो, ठीक है, बाद में वहाँ जाकर अपने आप को सुधार लो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो ख़त्म होते ही आपको एक और वीडियो देखेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंट क्या है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। Thanks for watching this video.